सरदार कुलवंत सिंह दे मोहाली ऑफिस की जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। अज सरदार कुलवंत सिंह जी नॉमीनेशन करन जाना है, उसकी तैयारी की जिहड़ी चल रही है, जिहड़ी मुहिम देख रहे हो ते जिहड़ा ये काफिला देख रहे हो लोगों का, लोग इन्नी ज़्यादा तादाद च उन्होंने मोहाली सैक्टर 79 ऑफिस स्थित पहुँच रहे हैं, तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। एक गल होर देखने च मिली है कि जिस दिन तो आ सैक्टर 79 का इलाका है, जब तो सरदार कुलवंत सिंह जी ने अपना ऑफिस खोलिया, पार्टी का ऑफिस खोलिया, उस दिन तो इतने मतलब कि इन्ना ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इस तो पहला जो इतने कि हाल इन्नी गड्डिया का काफिला नहीं हुंदा सीगा, लेकिन सब तो ज़्यादा जो उम्मीदवार की गल की जाए तो मोहाली हल्के च आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरदार कुलवंत सिंह जी दफ्तर के सामने सब तो ज़्यादा गड्डिया का काफिला, लोगों का काफिला, समर्थकों का काफिला। हालांकि इलेक्शन कमीशन वालों हदायत दी गई ने कि चुनावी रैलियां तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकते, इस करके थोड़ा बहुत परहेज भी किया जा रहा, ताकि क्योंकि इस चीज़ का कितने ना कि हो, क्योंकि तुम देख सकते हो कैमरे गड्डिया के अंदर भी लगे होंगे, कोई ना कोई किसी तरह इलेक्शन कमीशन की भी हो सकती है हदायत की कितने ना कि वायलेशन ना हो जाए, उस चीज़ में भी मतलब पूरा इन्हों की निगरानी होंगी है। पर तुम आप पार्टी दफ्तर दस्वीर देख सकते हो कि इस टाइम अज सरदार कुलवंत सिंह जी नॉमीनेशन ले जाना है मोहाली तो, पर उन्होंने जोड़े समर्थक सब तो ज़्यादा तादाद इतने पहुँच चुके हैं, तो लगातार जोड़ा काफिला वो बढ़ता जा रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ददायतों के मुताबिक जो देखा जाए तो कितने ना कि चुनावी रैलियां रोक लगी, आज वो पाबंदी तो शायद कुछ छूट भी मिल जाए क्योंकि समा थोड़ा रह गया है। पर असी गलबात करते उन्होंने समर्थक ने कि सरदार कुलवंत सिंह जी की जी चोण मुहिम किस तरह चल रही है, तो किस तरह का हुलारा मिल रहा। तो मेरे नाल खड़े ने कुंबला दे सरपंच जिहड़े रमनप्रीत कौर कुंबला ने, उन्होंने हसबैंड सीनियर मतलब कि काफ़ी आजाद ग्रुप तो ही जदों तो आजाद ग्रुप मोहाली बनया उदों तो नाल दे नाल जुड़े ने, इन्हां तो पुछदे कि आज किस तरह की खुशी है। हरमीत जी तुहाडा स्वागत है, तो की कहना चाहोगे? अज देखो जी अज पूरा ब्याह वाला माहौल है, तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है, तो असीं इह चोण जित के ही दम लैणा। तो जिदा की गल चलती सी मोहाली च कि बलवीर सिंह सिद्धू नू जे मोहाली हल्के च कोई ठल पा सकता है तो सरदार कुलवंत सिंह जी हैं, तुसी किस तरह देखते हो इस चीज़ नू? बिल्कुल देखो साहब छवि वाले बंदे ने, कोई दाग नहीं, बेदाग बंदे ने, इन्ने कि ने डिवेलपमेंट कराई है शहर की तो साढ़े पिंड की, तो इन्नी किसी ने करवाई नहीं, आप मंत्री रह के नहीं करवा सके है, तो उन्होंने मेयर होंदे हुए इन्नी डिवेलपमेंट कराई है। मैं अपने पिंड कुंबड़े की गल दसदा, मेरे पिंड कुंबड़े के 1,60,00,000 रुपए के पानी के पैप हुए ने, उन्होंने जिन्हें लाइफ कम से कम 100 साल है, उन्होंने एल आई डी लाइटा लवाइया ने, बिजली तारा बदलिया ने, 20 साल तो साढ़े सड़क नहीं बनी सी रोड, वो सड़क बनाई इन्होंने, तो पिंड पार्क नहीं सी, पार्क बनाया, पार्क के जिम लवाया, लोगों की सेहत का ध्यान रखे, ये फिर स्कूल से गरीब बच्चे पढ़ते सी उत्थे, तो उसकी रेनोवेशन कराई जी तो 17,50,000 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल तुहाडा ही सारा शायद इसे पासे है कि क्योंकि बलवीर सिंह सिद्धू बहुत बड़े थम बने जाते हैं, फिर उसके बावजूद भी तुहाडा पिंड जिहड़ा है उन्हां दी कैद तो बाहर निकल गया, मतलब वो अपने एम सी नहीं बना सके। कोई नहीं बनया जी, देखो मतलब कम करते होंगे लोगों के नाल विचरन का होंगे, 5 साल आके बड़े नहीं है, हम कल आ गया उत्तर जी, हाँ जी मैं जी उद्घाटन करना जी करना करना, जबकि उस धर्मशाल का ये पैसे 14,00,000 ते 47,000 रुपया 10/10/2019 असी पास करवाए सी। तो की लगता की है कि हुण कुलवंत सिंह जी अपने एकदम वो लीड ते ने, या मतलब कि मुकाबला हजे भी फासवा चल रहा दोनों कैंडीडेट? देखो जी प्लस ने, असं पिंड जाने हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, देखो सीनियर लीडर ने, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, कह रहे कि हुण प्लस हो चुके हैं बलवीर सिंह सिद्धू तो, कितने ना कि आम आदमी के उम्मीदवार सरदार कुलवंत सिंह जी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि जी गल मोहाली चल रही थी बार बार कि बहुत मतलब जबरदस्त मुकाबला है, तो उन्होंने समर्थक कह रहे मुकाबले तो कितने बाहर निकल चुके हैं तो ऊपर चल रहे हैं। तो बाकी मैडम खड़े हैं, ये भी मतलब सबका काउंसलर रहे हैं जसवीर कौर अतली, इन्हों तो गलबात करते हैं। मैडम की कहना चाहोगे कुलवंत सिंह जी बारे? कुलवंत सिंह बारे जी कहना कहना चाहेंगे, साडा लीडर ने अच्छे सच्चाई से हमेशा काम किया है और इन्होंने जीत पक्की है। तो तुसी अपने टाइम च आरोप ये भी लाते रहे कि एमसी इलेक्शन से काफी धक्केबाजी हुई सी, ओदा जवाब देने का समा आ गया? जवाब आ गया, इहदा जवाब हुण सारयां नूं मिल जाएगा, जिहड़ी धक्केबाजी हुई है इस च पता लग जाएगा कि किने धक्का कीता है। ठीक है बिल्कुल, असीं होर भी मतलब कि इत्थे समर्थक ने उन्हां नाल भी गलबात करांगे, जिस तरह मैडम कह रहे ने कि म्युनिसिपल कारपोरेशन उम्मीदवार जिहड़े 37 कैंडीडेट काउंसलर सीगे वो कांग्रेस पार्टी के बन गए, तो उन्होंने अपना मेयर भी बनाने से कामयाब हो गए। इत्थे होर भी आम आदमी पार्टी के जिहड़े लीडर रहे वह भी लंबे समय तो काफ़ी मतलब टाइम तो, जिवें कि मैडम इत्थे नाल खड़े ने
ਤੈਨੂੰ ਬੱਬਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ चैनल दे माध्यम ते लोकां नूं अपील करना चाहुंदे आ कि एक मौका अरविंद केजरीवाल एक मौका भगवंत मान जी नूं दो ते तुसीं देखो कि किदां पंजाब दी नुहार बदलदी है। अज असीं नॉमीनेशन फिल करन जा रहे हां कुलवंत जी साडे मोहाली दे कैंडीडेट ने आम आदमी पार्टी तों बहुत ही तुसीं जिद्दां कि जानदे हो कि पहलां मेयर रह चुके ने 5 साल प्रधान भी रहे ने म्यूनसिपल कारपोरेशन दे एक भी करप्शन दा दाग नहीं है इन्ने ईमानदार नेता साडे आम आदमी पार्टी विच ने ते मैं मोहाली दे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਦਾਦ ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਣੇ ਕਿਹਾ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ? ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਟਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰਪਟਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਟਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਵਾਰ ਉਹ MLA ਰਹੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛੁੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ-ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 200-400 ਦੇ ਸੂਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੂਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਨਨੀ ਛਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਨਈਅਰ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਨਾਉ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਫੇਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਉ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ? ਨੋ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ particular minister why they are going against this because they know that there is no development they are just saying matlab ek fake kehna hai bol rahe hain ki development hai development hai but still you can see the youth are unemployed there is so much of corruption sirf wo apni development kar rahe hain aur kisi ki koi development nahi hai aur kejriwal hamari jab aam aadmi party sarkar aayegi to ek revolutionary change aayega har ek social field mein not in only the
डिवेलपमेंट बट इट विल गो बियॉन्ड डिवेलपमेंट ऑलसो एंड द डिवेलपमेंट विल बी ड्रास्टिक डिवेलपमेंट। मैं बलबीर सिंह सिद्धू के भरा छोटे भरा जो मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू और मेयर ने मौजूदा वो जो कितने किसी मोहाली लिमिटेशन के किसी एरिए वार्ड जाते हैं कंपेनिंग करते हैं तो उन्होंने ये कहना होंगे जरूर कहते हैं कि जो तुम अपने वार्ड का विकास करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो लोगों तो बार बार चाहते हो कि जो चाहते हो तो तुम बलबीर सिंह सिद्धू को लियाओ इदा क्या मतलब कि जो बलबीर सिंह सिद्धू नहीं आएंगे तो मेयर से रेंदे हुए उन्होंने मोहाली का विकास नहीं हो सकता या वो करवा नहीं सकते। दैट इज़ एक वो ट्विस्ट करके अपनी एक मतलब लैंग्वेज को बोल रहे हैं स्टेटमेंट ट्विस्ट करके दे रहे हैं अदरवाइज दे आर जस्ट टू कन्विंस द पीपल बिकॉज दे देमसेल्फ ऑल्सो नो कि लोगों ने अपना एक माइंड सेटअप ऐसा बना लिया है कि नाउ दिस टाइम हमने एक चेंज लेके आना है दैट एक मौका हमने केजरीवाल सरकार को देना ही देना है। दैट इज़ वो ट्विस्ट इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनकी जो मतलब डायलॉग्स हैं वो कन्विंस हों और उनको वोट करें। केजरीवाल जी ने एक बार मौका मिलने का मतलब पूरा एकदम मन बना लिया लोगों ने कोई डेफिनेटली डेफिनेटली 110% लोगों ने मतलब एक रूट लेवल से अगर लोगों को उठाएं तो लोगों ने अपना पूरा एक मन बना चुके हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी विद द मेजॉरिटी। थैंक यू मैम थैंक यू। ये सीगे आम आदमी पार्टी दे सिंपल नैयर मैडम इन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल गल कीती कि लोगों ने मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरे बहुमत नाल पंजाब च अपनी सरकार बनाने जा रही है इस चे कोई दोहरा नहीं है। तो मोहाली से जी बार बार गल चल रही थी कि बलबीर सिंह सिद्धू तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरदार कुलवंत सिंह जी बहुत जबरदस्त मुकाबला है तो उन्होंने समर्थक कह रहे हो मुकाबले की कोई गल नहीं है हूँ सरदार कुलवंत सिंह जी उपर लंघ चुके ने तो जीत वल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने नाल होर भी इतने समर्थक ने उन्होंने गलबात करते हैं एडवोकेट मैडम अमनदीप जी ने उन्होंने गलबात करते कि यह किन्नी कु गल है कि अज सरदार कुलवंत सिंह जी जो अपना नॉमीनेशन दाखिल करन जा रहे हैं तो हजे कि उन्होंने किया नहीं सीगा फिर भी करन जा रहे हैं पर हुण हालात इस तरह के बन गए उन्होंने समर्थक मुताबिक कि जेडे बलबीर सिंह सिद्धू मुकाबले चाह रहे थे उन्होंने तो अगे चल रहे हैं। मैडम किन्नी कु सच्चाई है इस जी बिल्कुल सच्चाई है तुसीं देख ही लो जोश लोगों कि है ते बाकी तुसी मेरे ख्याल पिंडां च जांदे हो तो बहुत वधिया रिस्पोंस है शहर च भी बहुत वधिया रिस्पोंस है ऐतकी आम आदमी पार्टी दे नाल मिल के ये जे सानू इह जे वधिया दित्ते होए आ उम्मीदवार असी लगता है कि ऐतकी बाजी मारांगे और श्योर शॉट है कि बलबीर सिद्धू जिन्हां दी काफ़ी इत्थे बुराई हो रही आ सारे किते पिंडां च भी ते शहर च भी उन्होंने कख नहीं किया मोहाली शहर। मैम जिस तरह सरदार कुलवंत सिंह जी की जिहड़ी छवि है एक बहुत ईमानदार ते वधिया किरदार दे तौर ते मतलब लोग ले रहे हैं तो कि अगे भी जिहड़े जो उन्होंने सरकार आती है या वो क्योंकि बिल्कुल इतों MLA बनते हैं तो उस तो बाद कितने ना कितने मंत्री भी बनने उ सरकार भी जाएंगे तो मोहाली कि फायदा हो सकता इस चीज़ जी। मोहाली बहुत ज़्यादा फायदा होना है बिकॉज ऑलरेडी कुलवंत जी जो मेयर से जाएगी जे कुलवंत सिंह जी इतने MLA बनते हैं तो मिनिस्टर बनते बिल्कुल तुम देखो इन्होंने समर्थकों तो बड़े कुलवंत सिंह जी MLA तो बढ़ते हैं तो वह कितने ना कितने आम आदमी पार्टी से मंत्री लेवल के भी उस लेवल पर जा सकते हैं तो मोहाली का जोड़ा विकास है बहुत वधिया हो सकता है क्योंकि तीन बार जी टर्म बार बार चल रही है कि सरदार बलबीर सिंह सिद्धू तीजी बार हैट्रिक कर चुके हैं तो चौथी बार भी चुनाव मैदान च ने तो उन्होंने जी मुकाबले की गल चल रही है मुकाबले च इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरदार कुलवंत सिंह जी काफ़ी उपर लंघ चुके हैं ये देखना होएगा 22 तरीक न 22 फरवरी जो इतों वोटा पैनगियां तो 10 मार्च को विधानसभा के इलैक्शन दिड़िया डिकलेरेशन घोषणा होएगी उस आम आदमी पार्टी के जोड़े समर्थक जोड़े लीडर ये गल कर रहे हैं उत्थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरदार कुलवंत सिंह जी उन्होंने उम्मीदा से कि खरा उतरते हैं तुम देखते दे रहो फिर मीडिया सी असी तो जल्द ही अपडेट करावे सरदार कुलवंत सिंह जी कि वह नॉमीनेशन कर पहला तो बाद की मोहाली के हल्के लिए उन्होंने की सोच है तो की लेके तो अगे आने वाले टाइम उन्होंने की योजना ने की प्लानिंग है वो की कर सकते तुम देखते दे रहो फिर मीडिया से मैं तेरे नाल विजयपाल मोहाली।